सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सी सेट और यू कैन से दैट योर जीएस पेपर टू। आज का सेशन बड़ा खास रहने वाला है। जैसे टारगेट 27 में मैंने बहुत सारे यूनिक आपको फीचर्स बताए, यूनिक बातें बताई कि सी सेट में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आप कर सकते हो, वैसे ही आज हम करने वाले हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो रहने वाला है पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सी सेट एग्जाम, कि कैसे एक सी सेट एग्जाम का नेचर चेंज हुआ तो आपको भी अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज 2023 में बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन आए, हमें लगा कि ऐसे क्वेश्चन तो पहली बार आए हैं, बट जब प्रीवियस ईयर की एनालिसिस जिन बच्चों ने की थी उनसे पूछा गया, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, 100 प्लस स्कोर किया, काफ़ी थे, 120 स्कोर किया कहीं उन्होंने, उन्होंने एक बात बोली कि सर अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया होता ना तो शायद ये बच्चे भी पास होते हैं। कि कौन होता कि आया पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, ये था वो था, कुछ नहीं था ऐसा। अच्छी कितने क्वेश्चन देना, 33% तो मुझे ठीक चाहिए क्वेश्चन, क्लियर। तो चलिए देखते हैं फिर पॉइंट टू रिमेंबर, इसका मतलब क्या है कि सीसेट जब भी आते हैं पॉइंट टू वन करके हम इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं ये मेरी तैयारी में कैसे मुझे मदद करेगा। सबसे पहले इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। देखो मुझे क्या करना है, मुझे 80 क्वेश्चंस बेसिकली मेरे पास हैं, ठीक है, अभी हम 80 क्वेश्चंस, मुझे क्वालिफिकेशन के लिए 33% चाहिए, है ना, मतलब इतने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अब एक बात है, चलो ठीक है, टाइम मान लिया आपका, आपके पास 2 घंटे 120 मिनट है, बट जब तक आप सारे के सारे क्वेश्चन रीड आउट नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि 27 क्वेश्चन पड़े 27 के 27 ही ठीक होंगे, चलो कहीं किसी का हो भी सकता है 1% चांस, बट जब तक आप 80 के 80 क्वेश्चन देख नहीं लोगे आप कैसे बोल सकते हो कि आपने क्वेश्चन किए हैं, क्लियर। नंबर वन, आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन भी है, समझा के बात, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन भी है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि रीडिंग स्पीड दो चीज़ों में काम आएगी। नंबर एक, एक तो आप पेपर जल्दी अटैम्प्ट कर पाओगे, अटैम्प्ट पेपर जल्दी क्यों नहीं होता बच्चों का, कई बच्चे ऐसे ही मिल जाते हैं पूरा पेपर अटैम्प्ट में 60 ही क्वेश्चन पढ़ पाए, 60 ही क्वेश्चन पढ़ पाए तो फिर उसमें से क्वेश्चन कितने का आपने अटैम्प्ट किए होंगे, कितने क्वेश्चन गए होंगे ठीक करने के लिए, क्लियर। सबसे पहला जो पड़ाव है, सबसे पहला स्टेप है वो है आपकी रीडिंग स्पीड, यानी आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी और चीजों को पढ़ने के लिए। सबसे पहले ये चीज समझ आए अटैम्प्ट, क्या, अगर आपका स्कोर 90-80 के आसपास तो आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको छोड़ के कुछ नहीं। आप जितने देखो कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये बुक कर लें वो बुक कर लें, यार बुक में ऐसा क्या है, कॉन्सेप्ट ही तो है, वो आपने पढ़ लिया, आपने मॉक टेस्ट लगा, बट जो आप क्या होगा प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस है ना, उसके बाद ही मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं बेसिकली। कोई अच्छा मॉक टेस्ट होगा ना, जैसे अभिमन्यु आईएएस का मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद ही वो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन उठाए और डाल दिए। और मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं ना उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी में 2 होंगे किसी में 3 होंगे, ऐसे करके डाले जाते हैं ताकि आपके प्रीवियस ईयर भी वहाँ पर कवर हो जाए। तो अगर आपका स्कोर 100 से कम आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप एक ऐसे जोन में हैं कि आपको ये नहीं पता कि आप पास होंगे या फेल होंगे, तो उसको इम्प्रूव करें। और वो कैसे इंप्रूव होगा, वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंप्रूव करा सकते हैं, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं, याद रखना मेरी बात, क्लियर। तो ट्राई टू मेमोराइज दिस थिंग कि आपका स्कोर 100 के आसपास बनना चाहिए, प्लस ही बनना चाहिए, कम नहीं, क्लियर।
मॉक टेस्ट में, इंश्योर दैट योर एक्यूरेसी लेवल इज हाई. सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होती है कि जो क्वेश्चन कर रहे हो वो ठीक हो. मैं नहीं कहता 80-80 क्वेश्चन. देखो कई बच्चे कहते सर अटेम्प्टेशन 70 है. भाई 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होगा? मजा तो जब है जब 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट और 65 ठीक हो उसमें से. अटेम्प्टेशन इज नॉट अ राइट थिंग टू से. एक्यूरेसी लेवल इज द राइट थिंग टू से. ये बोलो सर एक्यूरेसी लेवल है मेरा 70 क्वेश्चन में, एक्यूरेसी लेवल है 40 क्वेश्चन में. कहने का मतलब है कि 40 के 40 के मुझे यकीन है कि मेरे 40 के 40 ठीक हैं. दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी लेवल. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीपिंग. आप देखो मॉक टेस्ट जो नहीं लगाते ना बच्चे, सबसे ज्यादा परेशानी उनको आती है क्योंकि उनको आदत नहीं क्वेश्चन को स्किप करने की. वो अपने अननेसेसरी का बर्डन अपने ऊपर लेते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे करना है. कहाँ लिखा है कि 80-80 क्वेश्चन करने? कहीं लिखा हुआ? यूपीएससी ने तो कहीं नहीं बोला 80-80 करो. उन्होंने देखा 80 के 33% ठीक कर दो, 27-27 क्वेश्चन मुझे ठीक करके दे दो, आई एम हैप्पी. तो क्यों अननेसेसरी का बर्डन लेना? तो यहां पे सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है ना वो था स्किपिंग ऑफ द क्वेश्चन. स्किपिंग ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन को स्किप करना सीखो. क्वेश्चन को स्किप करना सीखो. ये कैसे? क्योंकि जब कोई गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे उसका आंसर गलत लगा दोगे तो एक्यूरेसी गिरने स्टार्ट हो जाएगी. और एक्यूरेसी का डायरेक्टली मतलब क्या है कि आप नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करो. इसीलिए बोला जाता है एक्यूरेसी पे ध्यान दो. एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि जितने क्वेश्चन करो उतने आपके ठीक रहने चाहिए. जो ठीक क्वेश्चन है उसी को करो, गलत क्वेश्चन को मत छेड़ो, रहन दो उसको, नहीं हो रहा छोड़ दो. इसीलिए मैंने बोला स्पीड इंक्रीज होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप 80-80 क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो. क्या पता किसी बच्चे ने 60 अटेम्प्ट किए, क्या पता लास्ट के 20 क्वेश्चन ऐसे हो ठा ऐसे करके हाथ लगा दिया आपने और आंसर हो गया. क्या वो ऐसे क्वेश्चन उसमें से 10 जो आपको आते हो? तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्यूरेसी लेवल का अच्छा होना बहुत जरूरी. नेक्स्ट, बिकॉज सी सेट इज क्वालिफाइंग एग्जाम कैंडिडेट शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. As a result, despite more marks in general studies, paper 1, these applicants did not qualify for the mains exam. अगर CSAT qualifying exam है, ठीक है, GS paper 1 में जितने मर्जी हो, जोड़ के तो आना नहीं, कि भाई जोड़ के बताओ paper 1 और paper 2, तो serious रहो exam के बारे में, clear? कि GS paper 2 आपका important है बस, इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रिलिम्स मेक श्योर डिवोट इनफ टाइम टू सी सेट प्रिपरेशन. द सी सेट सिलेबस इज वेल डिफाइंड एंड ईजी टू प्रिपेयर. पासिंग दिस टेस्ट रिक्वायर्स ओनली 1-2 आवर्स ऑफ डेली स्टडी. देखो आपके पास क्या है, क्या बोल रही है लाइन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रिलिम्स एग्जाम, कि जब आप प्रिलिम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेक श्योर कि आप इनफ टाइम दे रहे हैं सी सेट को. कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम बच्चे कौन से इसमें फेल होते हैं, मतलब जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो लास्ट के 1-1.5 महीने में तैयारी शुरू करते हैं. यूपीएससी ने पहले ही आपको बता दिया वेल डिफाइंड सिलेबस के साथ बता दिया कि आपने एक्चुअली में क्या करना है, वट यू हैव टू डू. पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें हैं, ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स है जहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछने. So, आपको क्या करना है, आपको इनफ टाइम, इतना टाइम तो एटलीस्ट देना पड़ेगा ना कि आप सोच सको, आप कुछ कर सको. अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बिकॉज वो ज़्यादा नहीं है. मैं भी यही मानता हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो 1-2 घंटे का इनफ है. अगर थोड़ा लेवल अच्छा तो 1-1.5 घंटा इनफ है, 1-1.5 घंटे में भी काम चल जाएगा. बट आपको प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट करनी पड़ेगी और ये सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. ये ना हो इसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक के चक्कर में, जो कर सकते हो वो भी ना करो. ठीक है, तो बी सीरियस अबाउट दैट. क्लियर? चलिए, ट्राई टू सॉल्व एंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर्स टू फाइंड यूर वीक पॉइंट्स. दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड. देखो मैं हमेशा ऐसे की बात करता हूँ, कोई भी आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई भी, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है. रीजन क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास एक सेंस आएगी, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. 2020 के करोगे, 21 के करोगे, 22 के, 23 के, आपको 3-4 साल में ट्रेंड का पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है. ठीक है, कि यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या,
जब आप प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा किसके बारे में आपके वीक। मैं हमेशा बताता हूँ एक वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट यू मस्ट नो, और आपको अगर एग्जामिनर का वीक पॉइंट पता ना बस फिर आप बेड़ा पा रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर करोगे स्टूडेंट्स तो आपको वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा कि आपके अपने वीक पॉइंट क्या है जिसपे एग्जामिनर बार बार हिट कर रहा है। एग्जामिनर को पता है कि नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते, उसको पता है तो डाल रहा है क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20-25 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अकेले आपके क्वांट सेक्शन, मैथ सेक्शन की बात हो तो 50% तो यही लेके बैठा हुआ, उसको पता है कि रीजनिंग कर लेते हैं इसीलिए तो 10-11 क्वेश्चन पे आगे रीजनिंग पे। ऐसा ना हो इस पर रीजनिंग के 10 से भी कम क्वेश्चन हो और आपके क्वांट के 25 क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ मत होने देना ना। और सॉरी 25 कह रहा, नंबर सिस्टम के 20-25 क्वेश्चन आ जाए, क्वांट के बन रहे हैं आपके पास 40-45 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है और अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने वीक पॉइंट पे काम नहीं किया तो समझ रहे ना बहुत बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला आपकी तैयारी के लिए। क्लियर? तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसको वैल्यू करें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कीजिए। क्लियर? चलिए तो इसी के साथ आज का इतनी ही बात थी, मैं अभी बात करूंगा। कोई डाउट हो मैं आपको बता देता हूँ 9517771615 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए फ्रॉम वेयर टू स्टडी फॉर यूपीएससी सीसेट 2024, कहाँ से पढ़ना चाहिए? मैं हमेशा की बात करता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, वहाँ से पता चलेगा कहाँ से आपको एक्चुअली में पढ़ना है। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस अच्छा कुछ भी नहीं है, वो पढ़ो। एग्जाम की प्रिपरेशन के 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से करें, नंबर दो प्रीवियस ईयर कहाँ से करें, प्रीवियस की एनालिसिस कहाँ से करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें। अगर आपको अब इतना टाइम नहीं है तो मैं बताता हूँ कहाँ जाओ। देखो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखो जरा। अगर आप अभिविटा के पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज सीसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज हैं, अभिविटा कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज। क्लियर? देखो मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, अब मैथ का 50% मैथ से ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज। अब यहाँ पे जब आप जाओगे ना आपको एक आई बटन दिखेगा, क्लिक करो इसको। अब देखो 23 में 17 क्वेश्चन, 22 में 10 क्वेश्चन, 21 में 9 क्वेश्चन, 20 में 15 क्वेश्चन, 19 में 7 क्वेश्चन, ये वो हैं जो मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ से पता चला मुझे नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? अब ट्राई नाउ करो। जब आप इसे ट्राई नाउ करेंगे तो देखो नंबर सिस्टम का पूरा बायोडाटा खुल गया, अभी क्या क्या है इसके अंदर, 10 से 11 लेक्चर्स हैं। पहले 5 से 6 लेक्चर्स में सारी थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन, वो भी वीडियो सोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या, 10 वेब नोट्स हैं। वेब नोट्स होता है चैप्टर की थ्योरी, चैप्टर का हार्ट, कि समझो उसको क्या कह रहा है वो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे इसमें कुछ। अब तीसरी चीज थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसे हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 440 मेरे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। आई थिंक बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। क्लियर? मैंने टारगेट 27 के नाम से एक वीडियो बनाई थी, उसको जाके देखो, बहुत कुछ पता चलेगा कैसे इफेक्ट डालेंगे आपकी तैयारी पे। क्लियर? और ये सिर्फ कितने के हैं, 355 के, 365 डेज के लिए। क्लियर? इसी तरीके से हर टॉपिक के साथ एक आई बटन दिया, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आई बटन पर दबाओगे 23 में 7 क्वेश्चन, 22 में 6 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्लियर? और बहुत ही वाजिब रेट पे, बहुत ही वाजिब प्राइस पे अगर मैं बात करूँ बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, पजल टेस्ट, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन हो गया, आपका डाटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सॉरी टॉपिक्स कैसे दे रखे हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 358 रोज में 6 लेक्चर है, ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड मेरे पास क्वेश्चन हैं, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम 65 रुपये का है, क्योंकि अगर चैप्टर कह रहा मुझे पैराग्राफ समझना है तो मुझे उसको वोकैबुलरी आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। देखिए यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं, कॉल में, व्हाट्सएप, कोई डाउट हो तो। अदरवाइज वो जो मैंने नंबर बताया 9517771651, उस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए ये है हमारे 2022 के हीरोज यानी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। मैं बात करूँ अर्नब का 51 रैंक, और माफ कीजिएगा स्पर्श का 51, अर्नब का 56, जतिन 90, दिव्य 105, सृष्टि 138, और इन बच्चों ने लिखा हुआ है कि अभिमन्यु आईएएस नंबर 1 है पिछले 25 साल से 2200+ सिलेक्शन के साथ। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड अस।
हम सी सेट पे भी उतना ही फोकस करते हैं जितना जीएस पे, बिकॉज अगर बच्चा मेंस तक पहुंचेगा तो आईएएस बनेगा कैसे। इसीलिए इस तरह के सेशंस मैं कंडक्ट करता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे, आप थोड़ा प्रोत्साहित रहें, आपको पता चले कि क्या गलती कर रहे हैं। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज 9517716 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं इसलिए। थैंक यू।